हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही एक बेहतरीन आपको जानकारी बताने वाला हूं। आप अपने आधार में मोबाइल नंबर अगर लिंक है तो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने स्वयं मोबाइल पर। सबसे पहले चलते हैं आप गूगल पे। गूगल में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक साइट डालना है, www.uid। आप जैसे ही इतना डालोगे तो आपका ऊपर ही ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको ऊपर वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी में जो आपको अवेलेबल हो उस पे टिक कर दें। फिर यहाँ पे आपको ये कट्टम का निशान दिख रहा है, इस पे टिक करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, जैसे कि मैं टिक कर रहा हूँ। फिर इसको आपको स्लाइड को ऊपर करना है। आप गेट आधार वाले पे ऑप्शन पे आके यहाँ पे लिखा है डाउनलोड आधार वाले पे टिक करेंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे स्लाइड को ऊपर करेंगे, खिसकाएंगे ऊपर। फिर यहाँ पे दिख रहा है आपको डाउनलोड आधार वाले पे टिक करेंगे। फिर यहाँ पे आप आधार नंबर डालेंगे, कि जैसे कि मैं ऐसे ही नंबर डाल रहा हूँ एक। अगर नंबर आपका गलत होगा तो यहाँ पे आपका रेड कलर का लाइन आ जाएगा। और जैसे कि मैं डाल के एक नंबर दिखा रहा हूँ आपको आधार का, ये मैं अपना नंबर डाल चुका हूँ आधार नंबर। फिर इसके बाद कैप्चा डालेंगे, कि देखिए जैसे कि मैंने डाला नंबर तो ये गलत था। फिर मैं आपको दोबारा डाल के दिखाता हूँ नंबर। यहाँ पे आप कैप्चा डाल लेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे DONO5। इतना डालने के बाद आधार नंबर आप सही करेंगे, जैसे अगर गलत है, अगर एक बार में सही डाल लोगे तो आपका रेड लाइन नहीं आएगा। मैं डाल के दिखाता हूँ आपको दोबारा, ये सही पड़ गया, तो देखो ब्लू कलर की लाइन आ गई। यहाँ पे सेंड OTP का ऑप्शन लिखा है, इस पर टिक करेंगे। सेंड OTP पे जैसे टिक कर देंगे आपका OTP आएगा, OTP डाल के आपका फाइल में आपका PDF चला जाएगा। फाइल में जाने के बाद PDF फाइल में क्लिक करेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन पे आधार पे क्लिक करेंगे, PDF पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने नाम का स्टार्टिंग के 4 अक्षर अंग्रेजी के बड़े में डालना है, जैसे RAJK। और आपका ईयर कौन सा, सन कौन सा, वो डाल देंगे यहाँ पे, और आपका यहाँ पे आधार खुल जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और बेहतरीन जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके दोस्तों, नमस्कार।